Let's do question number 20 of exercise 8, that is triangles. Question number 20 is, हमें figure दे रखी है friends. ये आ गया हमारा E पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और इसको एक्सटेंड किया हुआ है D पॉइंट तक और ये आ गया हमारा F पॉइंट, राइट फ्रेंड्स. अब वो कह रहा है इन द साइड्स इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, अगर इन सबकी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया जाए तो कह रहे प्रूफ दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म किए हैं ये तीनों सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स. ये सब किसकी इक्वल हो? 4 राइट एंगल्स. तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल BAE plus angle CBF plus angle ACD is equal, किसके इक्वल होने चाहिए ये? 4 राइट एंगल्स. 4 into 90 डिग्री, राइट एंगल्स 90 का होता है तो कितने का आ गया ये? इसका मतलब आया BAE plus angle CBF plus angle ACD हमारा 360 डिग्री का आना चाहिए, राइट फ्रेंड्स. अब हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एंगल BAE एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम क्या होगा? दिस एंड दिस, तो हम इसको 1 और 2 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं. तो ये क्या हुआ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करके बना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम, राइट फ्रेंड्स. जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग सिमिलरली CBF क्या हुआ? CBF ये वाला एंगल किस किस को मिलके बनेगा? 3 और 2 को, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सेम रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. अब ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला देखते हैं ACD. ये वाला एंगल किस किस को प्लस करके बनेगा? 3 और 1 को, राइट फ्रेंड्स. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है. अब हमें पता है, अब हम इन तीनों को अगर ऐड करें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी थर्ड. एडिंग इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो क्या आया? एंगल BAE प्लस एंगल इधर की साइड इक्वल टू के एक साइड ऐड होगी, इक्वल टू के इधर वाली एक साथ ऐड होगी. CBF प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाले, अब एंगल 2 और 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, राइट फ्रेंड्स. ये सारे लिख लिए राइट हैंड साइड. अब BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 है, राइट फ्रेंड्स. अब BAE प्लस CBF प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बचा. अब हमें पता है ट्राइंगल में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ऐड करके कितने डिग्री का होता है? BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD, ये कितने का हो गया? 180 डिग्री का, राइट फ्रेंड्स. क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट फ्रेंड्स. तो ये कितने का आ गया? एंगल BAE plus angle CBF plus angle ACD equals to 360 degrees. The answer 360 degree आ गया. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.